नमस्कार कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर किसानों को मिलेगी पेंशन असमय बारिश से 744 करोड़ की क्षति कृषि विविधीकरण लाएगी खुशहाली आलू भंडारण पर संकट और फसलों का बनेगा डेटा बैंक अब कृषि समाचार विस्तार से साठ साल की उम्र पार कर चुके किसानों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पांच हजार रुपयों की मासिक पेंशन मिलेगी शहीदी दिवस के मौके पर सोमवार को पंजाब के फिरोजपुर स्थित हुसैनी वाला गाँव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की गत दिनों हुई असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि पर उन्होंने कहा भारत सरकार और राज्य सरकारें प्रभावित किसानों को मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी कई राज्यों में गिरते भू जल स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने किसानों को पानी की बचत और खेती में आधुनिक तकनीक अपनाने और खेतों में उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से होने वाले नुकसान की तरफ आगाह किया किसानों को मिट्टी की जांच का लाभ उठाने को भी प्रेरित किया पिछले दिनों हुई असमय बारिश से प्रदेश में सात करोड़ रुपयों से ज्यादा फसलों की क्षति हुई है यह आकलन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है इसके लिए शासन की तरफ से जिलों में चवालीस करोड़ रुपए भेज दिए गए हैं जिन जनपदों में ज्यादा नुकसान हुआ है उन जनपदों के जिलाधिकारियों को जल्द असमय बारिश से हुए फसल के नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट शासन को भेजने को कहा गया है पिछले दिनों हुए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने प्रदेश के तमाम जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया है उन्होंने जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को किसानों की राहत के लिए पिछले दिनों जारी 200 करोड़ रुपए शीघ्र किसानों में बांटने का निर्देश दिया अभी तक प्रदेश में 24 जिले चिन्हित किए गए हैं जहां 50 प्रतिशत से अधिक फसल बर्बाद हुई है जिलाधिकारियों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार जिन जिलों में 50 मिलीमीटर mm या उससे अधिक वर्षा हुई है उन जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक फसलों की क्षति हुई है बारिश और ओलावृष्टि से सबसे अधिक नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के जिलों में हुआ है इन जिलों में 50 से 70 प्रतिशत तक फसल नष्ट हुई है जिन किसानों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को दस लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी इसमें से पांच लाख रुपए कृषक दुर्घटना बीमा और पांच लाख रुपए मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे संत कबीर नगर जिले के किसानों को घाटे की खेती से उबारने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना इस जिले के किसानों के लिए वरदान साबित होगी इस परियोजना के लिए जिला प्रशासन ने 35.38 करोड़ रुपयों का प्रस्ताव तैयार करके उत्तर प्रदेश शासन को भेजा है इसे ये उम्मीद जगी है कि इस जिले में एक बार फिर काला नमक और बासमती चावलों की खुशबू लौटेगी जिला प्रशासन द्वारा जिले के किसानों को डास्प योजना के तहत पांच सालों तक लाभ देने के उद्देश्य से तमाम विभागों के सहयोग से 35.38 करोड़ रुपयों से खेती की हालत को सुधारा जाएगा कृषि विभाग द्वारा इस योजना के तहत धान की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा इसके अंतर्गत काला नमक और बासमती धान की खेती का प्रदर्शन भी होगा इसके अलावा इस जिले के किसानों को बीज ड्रम सीडर उर्वरक कीटनाशक कृषि यंत्र वगैरह उपलब्ध कराए जाएंगे इसके अलावा डेयरी पशुपालन मौन पालन तिलहन और दलहन की फसल के साथ सह फसली आदि पर भी जोर दिया जाएगा उल्लेखनीय है कि पूर्वांचल के कुछ ही जिलों में काला नमक और बासमती चावल की खेती होती है संत कबीर नगर इन प्रजाति के चावलों के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त जिला है बाराबंकी जिले के आलू उत्पादक किसान परेशान हैं। जिले में आलू उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में एक लाख मीट्रिक टन अधिक हुआ है इससे आलू भंडारण पर भारी संकट आ गया है बाराबंकी जिले में दो लाख छह हजार मीट्रिक टन आलू भंडारण की क्षमता है जबकि इस साल पैदावार औसतन चार लाख मीट्रिक टन से अधिक होने की उम्मीद है यही स्थिति लखनऊ के तहसील बख्शी का तालाब यानी बीके टी की भी है पिछले वर्ष इस तहसील के आलू किसानों को अच्छी कीमत मिली थी इसलिए इस साल भी किसानों ने अधिक रकबे में आलू बोया था भारतवर्ष दुनिया में आम का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है आम के पैदावार में में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है दुनिया भर में पैदा होने वाले आमों में लगभग चालीस दशमलव तीन आठ प्रतिशत आम भारत में पैदा होता है चीन में लगभग ग्यारह दशमलव सात दो थाईलैंड में छह दशमलव आठ सात और पाकिस्तान में चार दशमलव नौ सात प्रतिशत आम की पैदावार होती है भारत में लगभग एक हजार से ज्यादा किस्मों के आम पैदा होते हैं इनमें से सिर्फ तीस किस्मों के आमों का निर्यात किया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों से उनकी फसल और उपज के बारे में मोबाइल फोन के माध्यम से सीधे जानकारी हासिल करके एक डेटा बैंक तैयार करने की योजना पर विचार कर रही है इस डेटा बैंक से फायदा यह होगा कि इससे जिलों और क्षेत्र के हिसाब से कृषि का प्रबंधन किया जाएगा क्षेत्रवार बेहतर कृषि प्रबंधन के जरिए किसानों को उनकी उपज का अधिकतम लाभ दिलाया जा सकेगा किसान भाइयों कृषि समाचार खेती बाड़ी की समसामयिक जानकारी के बाद आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताजा औसत भावों की गेहूं आगरा की मंडी में एक हजार पाँच सौ सत्तर रुपये सहारनपुर की मंडी में एक हजार छः सौ अस्सी रुपये बरेली की मंडी में एक हजार पाँच सौ पचास रुपये और लखीमपुर की मंडी में एक हजार पाँच सौ पचपन रुपये प्रति क्विंटल रहा चावल आगरा की मंडी में दो हजार रुपये सहारनपुर की मंडी में दो हजार एक सौ बीस रुपये बरेली की मंडी में दो हजार पचहत्तर रुपये और लखीमपुर की मंडी में दो हजार एक सौ तीस रुपये प्रति क्विंटल रहा मूंग आगरा की मंडी में सात हजार चार सौ अस्सी सहारनपुर की मंडी में सात हजार तीन सौ बरेली की मंडी में पांच हजार सात सौ पच्चीस प्रति क्विंटल रहा चना आगरा की मंडी में तीन हजार छह सौ सत्तर सहारनपुर की मंडी में तीन हजार छह सौ दस बरेली की मंडी में तीन हजार चार सौ पचहत्तर और लखीमपुर की मंडी में तीन हजार छह सौ पैंतालीस प्रति क्विंटल रहा मक्का आगरा की मंडी में एक हजार सहारनपुर की मंडी में एक हजार बरेली की मंडी में एक हजार रुपए और लखीमपुर की मंडी में एक हजार प्रति क्विंटल रहा गुड़ आगरा की मंडी में दो हजार छह सहारनपुर की मंडी में दो हजार और लखीमपुर की मंडी में दो हजार प्रति क्विंटल रहा सरसों आगरा की मंडी में तीन हजार चार सहारनपुर की मंडी में तीन हजार बरेली की मंडी में तीन हजार तीन और लखीमपुर की मंडी में तीन हजार दो प्रति क्विंटल रहा आलू सहारनपुर की मंडी में 560 सौ बरेली की मंडी में चार सौ और लखीमपुर की मंडी में छह सौ प्रति क्विंटल रहा प्याज आगरा की मंडी में एक हजार सात सौ नब्बे सहारनपुर की मंडी में एक हजार बरेली की मंडी में एक हजार और लखीमपुर की मंडी में एक हजार प्रति क्विंटल रहा केला आगरा की मंडी में दो हजार सहारनपुर की मंडी में एक हजार बरेली की मंडी में दो हजार और लखीमपुर की मंडी में दो हजार प्रति क्विंटल रहा टमाटर आगरा की मंडी में एक हजार रुपये सहारनपुर की मंडी में एक हजार रुपये बरेली की मंडी में एक हजार रुपये और लखीमपुर की मंडी में एक हजार रुपये प्रति क्विंटल रहा बैंगन आगरा की मंडी में एक हजार रुपये सहारनपुर की मंडी में आठ सौ रुपये बरेली की मंडी में एक हजार रुपये और लखीमपुर की मंडी में एक हजार रुपये प्रति क्विंटल रहा गोभी आगरा की मंडी में नौ सौ रुपये और बरेली की मंडी में एक हजार रुपये प्रति क्विंटल रहा अदरक आगरा की मंडी में तीन हजार रुपये सहारनपुर की मंडी में तीन हजार एक रुपये बरेली की मंडी में तीन हजार तीन रुपये प्रति क्विंटल रहा सेब आगरा की मंडी में छह हजार तीन रुपये सहारनपुर की मंडी में पांच हजार चार रुपये बरेली की मंडी में पांच हजार पच्चीस और लखीमपुर की मंडी में छह हजार पाँच सौ प्रति क्विंटल रहा तो किसान भाइयों ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियाँ तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति नमस्कार और बताओ बस अरे ये क्या भैया जी बस इतनी सी खाद किसानी छोड़ रहे हो क्या किसानी नहीं नादानी छोड़ रहे हैं मिट्टी की जांच कराई है अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें और हाँ मिट्टी में गंधक जस्ता बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें अरे वाह तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड कार्ड अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया तो, है। तो हर को भैया एक कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाए ढेर सारे लाभ शामू भैया सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा आखिर यहाँ बारिश तीन गुना होती है चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं आगे नमस्ते सरपंच जी हाँ भाई जाओ जमीन की कीमत को पहचानो जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या भरपूर मदद जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह एक हजार हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूँ के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं फिर तो हमारे खेत में लहला उठेंगे क्या ये सपना सच होगा हाँ जरूर पूर्वी भारत और हरित क्रांति का अग्रदूत होगा आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं खुशबू की फुहार में स्वाद की बहार में तरक्की की तानों में खिलती मुस्कानों में हरे भरे पौधों में बड़े बड़े सौदों में मधुर भिन्न भिनाहट में खुशियों की आहट में हाँ ट मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती जय जवान जय किसान देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का ये नारा हमारे देश में किसानों का महत्व तो उजागर करता है किसान हमारे देश की बुनियाद हैं हमारे अन्नदाता हैं आज महिला और पुरुष किसान कंधे से कंधा मिलाकर तरक्की के नए रास्ते बनाने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं बस इन्हें जरूरत है हौसले की आज इन्हें जरूरत है आज की तकनीक के साथ जोड़ने की इनके लिए इनकी मिट्टी की महक अलबेली है इनके लिए इनकी मिट्टी बेला जूही चंपा चमेली है हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग गांव में निवास करता है और इन्हीं गांवों की गलियों से होकर गुजरता है हमारे देश की तरक्की और खुशहाली का रास्ता क्योंकि इन्हीं गांवों से जुड़े हैं हमारे अन्नदाता अपनी अटूट मेहनत से देश को खाद्यान्न देते हैं देश के ये किसान हमें हमारे किसानों पर गर्व है मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं कि आपकी पढ़ करके उसमें दर्द जो मैंने देखा है जो मुसीबतें देखी है इतना सहन करने के बावजूद भी पता नहीं क्या क्या आपने झेला होगा आपने मुझे तो चौंका दिया है लेकिन मैं इस मन की बात का मेरे लिए एक प्रशिक्षण का एक एजुकेशन का अवसर मानता हूँ और मेरे किसान भाइयों बहनों में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जितनी बातें उठाई है जितने सवाल पूछे हैं जितने भिन्न भिन्न पहलुओं पर आपने बातें की है मैं उन सब के विषय में पूरी सरकार में जागरूकता लाऊंगा संवेदना लाऊंगा मेरा 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 गरीब मेरा किसान भाई ऐसी स्थिति में उसको रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता हमने देखा कि रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री के विचारों ने देश के अन्य दाताओं को उत्साह से भर दिया मन की बात ऐसे समय पर आई है जब हम एक प्राकृतिक आपदा की दौर से बुंदेलखंड के किसान गुजर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी बात यदि प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेगी तो हमें लगेगा कि देश के सबसे ज्यादा जिम्मेदार आदमी के पास व्यक्ति के पास हमारी आवाज़ पहुंच गई और कुछ न कुछ निदान मिलेगा इसका तो यह नीतिगत हस्तक्षेप के कारण ऐसा हुआ है तो प्रधानमंत्री जी से हमारी पुरजोर निवेदन है कि नीतिगत स्तर पर उन आधारों पर सोचें और ऐसी नीति का निर्माण करें जिससे किसान भी समृद्ध हो प्रचुर उत्पादन हो पर्यावरण में संतुलन हो पौष्टिक और स्वास्थ्यप्रद आहार हो इस नए कानून के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब जमीन कितनी लेनी उसकी पहले जांच पड़ताल होगी उसके बाद तय होगा कि आवश्यकता से अधिक जमीन का उपयोग ना जाए कान मंत्री जी ने जो संदेश दिया है उसमें यह बताया है कि किसान को जो जमीन किसी भी प्रयोजन के लिए लेती है तो उससे उसका अवधि जरूर लिखाए समय पर साइन कराए उसके कि इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे अगर ऐसा होता है कि आज जमीन क्या ले ली और 20 साल बाद उसका काम शुरू होता है या काम पूरा होता है तब तक के लिए किसान उसकी फसल तो लेगा ही लेगा मगर उसके सर्किल रेट उस समय के आज के हिसाब से सर्कुलेट देनी पड़ेगी बीस साल बाद सर्कुल रेट क्या है उससे समय किसान को दोहरा फायदा दिलाने की बात कही है कि किसानों को जागरूक करने का ये प्रायोजन मन की बात के प्रायोजन के तहत किसान जागरूक होगा हमें अलग अलग गांव में किसानों का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा था मानो प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही मन की बात का वो इंतजार कर रहे थे हर मैं किसान से बात करता हूँ तो एक प्रकार से मैं गांव से बात करता हूँ गांव वालों से बात करता हूँ खेत मजदूर से भी बात कर रहा हूँ और खेत में काम करने वाली माताओं बहनों से बात कर रहा हूँ और इस में मैं कहूँ तो अब तक के मेरी सभी मन की बातें जो हुई है उससे शायद एक कुछ एक अलग प्रकार का अनुभव है अलग अलग गांव में अलग अलग समूह बनाकर किसान रेडियो के इर्द गिर्द इकट्ठा थे कहीं काम करते करते प्रधानमंत्री जी द्वारा कही जा रही मन की बात छूट न जाए इसके लिए हमने देखा कि कुछ किसान अपने साथ ही रेडियो रखकर काम करते जा रहे थे इस रेडियो वार्ता में प्रधानमंत्री ने देश की कृषि और किसानों को केंद्र में रखकर अपने मन की बातें किसानों के साथ बांटी मैं तो हैरान हूं किसानों ने खेती से संबंधित तो बातें लिखी है लेकिन और भी कई विषय उन्होंने कहा है गांव के दबांगों से कितनी परेशानियां हैं माफियाओं से कितनी परेशानियां है उसकी भी चर्चा की है प्राकृतिक आपदा से आते वाली मुसीबतें तो ठीक है लेकिन आसपास के छोटे मोटे व्यापारियों से भी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है किसी ने गांव में गंदे पानी पीना पड़ रहा है उसकी चर्चा की है किसी ने गांव में अपने पशुओं को रखने के लिए व्यवस्था की चिंता की है किसी ने यहां तक कहा है कि पशु मर जाता है तो उसको हटाने का ही कोई प्रबंध नहीं होता बीमारी फैल जाती है यानी कितनी उपेक्षा हुई है और आज मन की बात से शासन में बैठे हुए लोगों को एक कड़ा संदेश इससे मिल रहा है हमें राज करना का अधिकार तब है जब हम इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान दें यह सब पढ़कर के तो मुझे कभी-कभी शर्मिंदगी -कभी महसूस होती थी कि हम लोगों ने क्या किया है मेरे पास जवाब नहीं है क्यों किया है हाँ मेरे दिल को आपकी बातें छू गई है मैं जरूर बदलाव के लिए प्रामाणिकता से प्रयास करूंगा और उसके सभी पहलुओं पर सरकार को जगाऊंगा चेताऊंगा दौड़ाऊंगा मेरी कोशिश रहेगी मैं विश्वास दिलाता हूँ निश्चित ही अब बदलाव की बयार बहेगी निश्चित ही प्रधानमंत्री के मन की बात तरक्की के नए रास्ते ईजाद करेगी जब समय पर किसानों को मिल जाए और तमाम सारी समस्याएं हैं किसानों की सबसे बड़ी समस्या तो ये है जो समाज में असंतुलन है नौकरी वाला और एक किसान अगर एक बाप के दो बेटे हैं एक सर्विस में है और दूसरा किसान है तो आपस में जो सामंजस्य होना चाहिए वो चीज़ नहीं रह पा रही है इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी या सरकार इस दिशा में भी प्रयास करे कि जो सामाजिक असंतुलन पैदा हो रहा है ये दूर हो तो हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी किसानों की समस्याओं का समस्या का समाधान करें कि बैंकर्स उनको परेशान न करें उनकी जो कर्ज माफी के बारे में विचार करें और मांगे हमारी ये हैं कि जब एक उद्योगपति उद्योग जगत को बढ़ावा के लिए बात आती है तो उद्योगपतियों से सलाह ली जाती है और जब किसान के विकास की बात आती है तो वहाँ दूसरे लोग सलाह देते हैं तो यदि किसान आयोग जैसा गठन करें जिसमें किसान कृषि से जुड़े हुए लोग उसमें पहुँचें एक्सपर्ट पहुँचें कृषि जो जमीनी स्तर से जुड़े हैं अभी क्या होता है किसानों के बारे में योजना वो बनाते हैं जो क्यारियों में खेती करते हैं कृषि वैज्ञानिक होते हैं वो लोग गायब होते हैं जो बड़े स्केल पर या पीढ़ियों से किसानी करते हुए चले आ रहे हैं तो ऐसा एक किसान ऐप का गठन भी होना चाहिए और उसमें किसानों की सहभागिता होनी चाहिए आज हमारे देश के ये किसान विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए ललायट हैं उत्साह भरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्ची और कृषक हित भरी बातों ने मानो इन किसानों के दिलों को छू लिया है इस बार बेमौसमी बरसात हो गई ओले गिरे एक प्रकार से महाराष्ट्र से ऊपर सभी राज्यों में ये मुसीबत आई और हर कोने में किसान परेशान हो गया छोटा किसान जो बेचारा इतनी कड़ी मेहनत करके साल भर अपनी जिंदगी गुजारा करता है उसका तो सब कुछ तबाह हो गया है मैं इस संकट की घड़ी में आपके साथ हूँ देश भर के किसानों ने प्रधानमंत्री के मन की बात के जरिए जाना समझा और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी कहा है मुआवजा देने के लिए वो किसानों को मज़ा दिया जाए उचित से और जो फसल गिर गई है उसका व्यवस्था किया जाए और उन्होंने तो कहा कि सीरेटरी आकर के उसकी करेंगे जांच करवाने का मुआवजा दिया जाएगा कम से कम जैसे एक एकड़ जमीन है उनको पंद्रह बोरा तक गल्ला गला पैदा होता है और खाद है गोबर है पानी है सारी व्यवस्था के हिसाब से उनको उचित दिया जाए। लगा ये विकास का दौर है ये तरक्की का दौर है ये विकास की नई सोच के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का दौर है किसानों की मेहनत और मिट्टी से सोना उगाने का जज्बा आज एक साथ है ये सौभाग्य की शुरुआत है ये मन की बात है